हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे हार्डवेयर फीचर के बारे में जो आईफोन के लाइनअप में बहुत बड़ा चेंज लाया। वो हार्डवेयर फीचर है ये नॉच, जो बेसिकली आईफोन के ऊपर नजर आएगा। हर आईफोन जो 10 सीरीज के बाद आया, एक्सक्लूडिंग आईफोन SE 2020, सब में ये फीचर देखने मिलेगा जो बेसिक फाउंडेशन बनता है फेस आईडी का। आखिर एप्पल ने ऐसा क्या इम्पोर्टेंस दिया है इस फीचर को, क्या है नॉच में, चलिए जानते हैं डिटेल में। आपको शायद ऐसा कोई यूट्यूब वीडियो देखने मिलेगा जिसमें स्पेशली आईफोन के नॉच के बारे में फुल एक्सप्लेनेशन दिया हो। अभी आप देख सकते हैं आईफोन के नॉच में ये 8 हार्डवेयर कंपोनेंट्स है। इंफ्रारेड कैमरा, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, फ्लड इल्यूमिनेटर, एम्बिएंट लाइन सेंसर, स्पीकर, माइक्रोफोन, फ्रंट फेसिंग कैमरा एंड डॉट प्रोजेक्टर। तो चलिए जानते हैं कि ये हार्डवेयर कंपोनेंट्स क्या है और इनका क्या रोल और इम्पोर्टेंस है। आप लोग कुछ स्नैक्स वगैरह लेकर बैठिए और वीडियो को गौर से देखिए। आप जानते हैं कि एप्पल ने आईफोन 10 सीरीज, 11 सीरीज और आने वाले 12 सीरीज में फेस आईडी को एम्बेड किया और उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया। और एप्पल का ये दावा है कि उनका ये फेस आईडी इंडस्ट्री का सबसे बेहतरीन और सबसे सिक्योर है, जहां आपका फेस खुद आपका पासवर्ड है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डॉट प्रोजेक्टर से। आप देख सकते हैं डॉट प्रोजेक्टर आपके फेस में मोर देन 30,000 इनविजिबल डॉट्स प्रोजेक्ट करता है, ताकि आपका एक यूनिक फेशियल मैप बन सके जो 3D डेप्थ इमेज है। इसके बाद इंफ्रारेड कैमरा ये डॉट पैटर्न को पढ़ता है और साथ ही एक इमेज बना लेता है और उसे सेंड करता है बायोनिक चिप में, जो एप्पल का A11, A12, A13, A14 एक्सेट्रा बायोनिक चिप्स कंफर्मेशन के लिए। इसके बाद अगर मैच मिलता है तो फोन अनलॉक हो जाता है। ये हो गया लाइट में फेस आईडी का सिस्टम। अभी जहां पर लो लाइट है या कम्प्लीटली डार्क है, तब फ्लड इल्यूमिनेटर का क्रूशियल रोल आता है। फ्लड इल्यूमिनेटर इनविजिबल सेफ इंफ्रारेड रेस आपके फेस पे प्रोजेक्ट करता है और ये डॉट प्रोजेक्टर अगेन इंफ्रारेड रेस की मदद से आपका फेशियल मैप बनाता है और ये इंफ्रारेड कैमरा इस पैटर्न को पढ़ के और इंफ्रारेड इमेज लेकर बायोनिक चिप को सेंड करता है फॉर कंफर्मेशन। एप्पल के 10 सीरीज के बाद आने वाले फोन्स में बायोनिक चिप्स आपको नजर आएंगे, जहां पर न्यूरल इंजन बिल्ट इन है। ये न्यूरल इंजन आपके फेस आईडी, आपके एनिमोजी फीचर्स लाइक दिस को हैंडल करने में आपकी मदद करता है। अभी बात करते हैं प्रॉक्सिमिटी सेंसर के बारे में। प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगभग हर स्मार्टफोन में आता है। इसका यूज क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जब आप किसी को कॉल करते हैं, आप नोटिस करते होंगे शायद, जैसे ही आप आपका फोन ईयर के पास लेके जाते हैं तो स्क्रीन ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है, ताकि अननेसेसरी कोई टच फीचर आपके कॉल को डिस्टर्ब ना करे। वन मोर फीचर इसका ये है कि जब आप कोई भी फोन को स्लीप मोड से अवेक करते हैं, जैसे रात में टाइम देखने के लिए स्क्रीन ऑन कर दिया, तब ये फीचर की मदद से फोन अपने स्क्रीन को वन सेकेंड ऑफ कर लेता है। तो चलिए जाते हैं एम्बिएंट लाइट सेंसर के बारे में। ये आपके पास का लाइट इंटेंसिटी कितना है, जैसे फुल ब्राइटनेस है या लो लाइट है या फुल डार्क है, इसकी वजह से फोन को पता चलता है। ये फीचर कुछ ही फोन्स में देखने मिलेगा। इसकी वजह से फोन का ऑटो ब्राइटनेस जो फीचर है वो काम करता है। वीडियो के एंड में हाउ टू एनेबल ऑटो ब्राइटनेस इन आईफोन, इसके बारे में आपको बता दूंगा। और आईफोन का फ्लड इल्यूमिनेटर को कब और कितनी इंटेंसिटी से ऑन करना है फोन इसकी वजह से जान लेता है।
और फ्रंट फेसिंग कैमरा सेल्फी इमेजेस सेल्फी वीडियोस लेने में काम आता है। आईफोन 10 के सीरीज में फ्रंट फेसिंग कैमरा है 7 मेगापिक्सल का और आईफोन 11 सीरीज में 12 मेगापिक्सल है और आने वाले आईफोन 12 सीरीज में भी 12 मेगापिक्सल ही रहेगा। और माइक्रोफोन के बारे में ये है कि जब आप कॉल लाउड स्पीकर में डालते हैं तब ये माइक्रोफोन यूज में आता है ताकि आपकी वॉइस क्लियरली कैप्चर कर सके। और आईफोन का ये स्पीकर दो तरह के फंक्शन करता है, ईयरपीस स्पीकर की तरह फंक्शन करता है और स्टीरियो स्पीकर की तरह भी फंक्शन करता है ताकि साउंड क्लैरिटी आपको बहुत ज़्यादा मिले। और एप्पल का ये भी दावा है कि उनका फेस आईडी इज मोर सिक्योर देन टच आईडी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा। जैसे मैंने वादा किया था ऑटो ब्राइटनेस फीचर का, तो आपको इस इनेबल करने के लिए जाना होगा सेटिंग्स में, इसके बाद आपको जाना होगा एक्सेसिबिलिटी में, एक्सेसिबिलिटी से जाना होगा आपको डिस्प्ले एंड टेक्स्ट साइज में, वहां से स्क्रॉल करना होगा नीचे और लास्ट में आपको ये फीचर नजर आएगा ऑटो ब्राइटनेस का, वहां से आपको एनेबल कर लेना है। बस इस फीचर के जरिए आप अपने फोन की बैटरी को मैक्सिमम बूस्ट कर सकते हैं चार्ज होल्ड करने के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर करें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आस्क फ्री इन कमेंट्स। थैंक यू एंड मीट यू अगेन इन माय नेक्स्ट वीडियो।